अमेरिका ने बड़ा प्लान तैयार कर दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो सबसे बड़ा नुकसान ईरान का ही होने वाला है, क्योंकि बाइडेन और नेतन्याहू ने ईरान को चौथे फ्रंट पर घेर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। Publicly condemn it and resolutely fight it without exception. हानिया की कसम, गाजा बनेगा इज़राइल। जुलाई 2024 को हमास चीफ हानिया को इस्माइल ने तेहरान में ऐसी मौत मारा है कि उसके बाद से पूरा अरब वर्ल्ड हानिया के बदले की कस्में खा रहा है। इन हालातों में ईरान सबसे बुरी तरह से फंस गया है। ईरान के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, इसराइल को गाजा बना दो, वरना इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को दूसरा गाजा बनाने में जरा भी देरी नहीं करेंगे और इसकी भीषण तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान पर इस वक्त इसराइल से खूनी बदला लेने का बहुत ज्यादा दबाव आ चुका है, लेकिन इधर इसराइल ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगर इसराइल पर ईरान की तरफ से हमला हुआ तो ईरान पर ऐसा हमला होगा कि उसकी आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। इसराइल की खुफिया एजेंसियां मोसाद और शिनबेत ने जो इनपुट पीएम नेतन्याहू को दिए हैं उसके हिसाब से इसराइल 72 घंटे के अंदर ईरान की IRGC और हिजबुल्ला के टॉप कमांडरों को मार देगी, ताकि ईरान और हिजबुल्ला की तरफ से जंग पर बड़े फैसले लेने वाला कोई नहीं बचे। इधर इसराइल को अमेरिका से जबरदस्त साथ मिलने लगा है, जिसने पूरे मिडल ईस्ट को आग में झोंकने का काम किया है। जरा देखिए समंदर में कैसे अमेरिकी नौसेना के घातक युद्धपोत इसराइल का साथ देने के लिए पहुंच रहे हैं। ईरान और हिजबुल्ला के हमले को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सेना को समंदर में उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त लड़ाकू विमान और नौसेना के युद्धपोत उतारे हैं। मध्य पूर्व और यूरोप में अतिरिक्त नौसेना क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भेजने की मंजूरी अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दे दी है। अमेरिका ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की तैयारी कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका में लड़ाकू विमानों का एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी ईरान से मुकाबले के लिए तैयार हो चुका है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने USS अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात करने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर पेंटागन ने कहा है कि इससे लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा और ईरान और हिजबुल्ला जैसे दुश्मनों को तबाह करने में जबरदस्त मदद मिलेगी। סגרנו חשבון עם מוחסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו. כל מי שפוגע במדינתנו דמו בראשו. هذه مواقف تاريخية, مواقف رجال, مواقف عظماء يقولوا الموقف في الوقت المناسب. هذه جريمة لضيف على الجمهورية الإسلامية لا بد أن يدفع مرتكبها وهو الاحتلال الإسرائيلي أن يدفع الثمن. الآن نترك تدفيع الثمن للجهات المختصة. والقسام اليوم أعلن أن الاحتلال لن ينجو من العقاب. وقد فتح الآفاق للمقاومة لنترك الميدان يحدد كيف ترد الأمة. इजराइल तीन मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है।
اسماعیل ہانیہ کی ہتیا کے ایران اور آتنکی سنگٹھن حزب اللہ بخلائے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اسرائیل بھی پوری طرح سے تیار ہے۔ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسے چھ دیشوں کے گٹھ بندھن سے سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کو غازہ بنا دے گا اسرائیل، پی ایم نتنیاہو غازہ کے بعد ایران اور حزب اللہ کو ایک ساتھ نپٹا دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے نتنیاہو کو امریکہ کی سخت ضرورت تھی جو اب پوری ہو چکی ہے۔ امریکی دورے پر جب نتنیاہو گئے تھے تو اس وقت امریکی کانگریس کو سمبودھت کرتے ہوئے نتنیاہو نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ ایران ہی وہ شیطانی دھری ہے جو مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور امریکہ کے ٹھکانوں پر آتنکی حملہ کرواتا ہے، اور اب ہم ایران اور اس کے سمرتھکوں کو پوری طرح سے تباہ کر دیں گے۔ نتنیاہو کے اس بھاشن کے بعد جہاں 30 جولائی 2024 کو حزب اللہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فواد شکر کو بیروت میں ہوائی حملے میں مارا گیا، تو وہیں 31 جولائی 2024 کو تہران میں ایران کے سب سے سرکشت عمارت میں ریموٹ کنٹرول بم سے سوتے ہوئے حماس چیف ہانیہ کو رات پونے دو بجے مار دیا گیا۔ اسرائیل کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس پر حملہ ہوگا، اور اسرائیل چاہتا بھی ہے کہ ایران اور حزب اللہ بڑا حملہ کریں تاکہ ان دونوں کا بھی وہی حال کیا جائے جو غازہ میں کیا گیا ہے۔ غازہ میں 300 دن سے زیادہ کی جنگ میں 40,000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جبکہ 20,000 کے قریب حماس لڑاکے آئی ڈی ایف نے مار دیے ہیں۔ ذرا دیکھیے اسرائیل کو اور کون کون سے دیشوں کا ساتھ مل رہا ہے۔ ایران کو جہاں قطر، لبنان، عراق، سیریا، یمن، ترکی اور فلسطین کا ساتھ مل رہا ہے، تو وہیں اسرائیل کو امریکہ کا ساتھ مل رہا ہے۔ کچھ رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کو عرب دیشوں کا بھی ساتھ مل رہا ہے جس میں سعودی عرب، یو اے ای اور جارڈن شامل ہیں۔ رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ اسی سال 13 اپریل کو ایران کی اور سے اسرائیل پر میسائل اور ڈرون حملہ ہوا تھا۔ اس وقت ایرانی میسائلوں کو روکنے میں اسرائیل کامیاب رہا تھا کیونکہ اسے امریکہ کے ساتھ ساتھ جارڈن کا بھی ساتھ ملا تھا۔ وہیں یو اے ای اور سعودی نے بھی سوچنائیں امریکہ کو دی تھی جس کا فائدہ اسرائیل کو ملا۔ مصر שלנו لكل המזרח התיכון השבוע. אנחנו מי שתוקף אזרחי ישראל, מי שתוקף את מדינת ישראל, אנחנו מוכנים ללכת רחוק, יודעים להתאמץ מאוד, להביא מודיעין מאוד מדויק, ללכת, לפגוע, להרוג וגם לקחת סיכונים. ותקפנו בבירות ואנחנו תוקפים בעזה, ואנחנו נהיה מאוד חזקים בהגנה, ואחר כך גם נתקוף מאוד חזק. इधर इजराइल ने ऐसा वॉर प्लान बनाया है जो ईरान और हिजबुल्ला के हमले के वक्त जबरदस्त काम कर सकता है। दावों के मुताबिक इजराइल ने बम शेल्टर तैयार करने को कहा। दावा किया जा रहा है कि जब ईरान घातक मिसाइलों से हमला करेगा और हिजबुल्ला रॉकेट से इजरायली शहरों पर हमला करेगा, उस वक्त इजरायली शेल्टर में इन हमलों से खुद को बचाएंगे। इजरायली सरकार ने इजरायली लोगों को अपने बम शेल्टर को साफ करने और उसे तैयार करने को कहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलम में लोगों को निर्देश जारी किया गया है कि हमला होने की स्थिति में क्या करना है। लोगों को शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्किंग स्थलों और बम शेल्टरों की सूची की फाइल दी गई है। इसमें कहा गया है कि लोगों को 90 सेकंड के भीतर बम शेल्टर तक पहुंचना होगा, वरना जान जा सकती है। यानी ईरान और हिजबुल्ला के हमलों से बचने के लिए इजरायली नागरिकों के पास 90 सेकंड होंगे। इधर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरानी मिसाइलों और हिजबुल्ला के रॉकेट ब्रिगेड पर टिकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ईरान, हिजबुल्ला, हुथी और कुछ इस्लामिक लड़ाकों के ग्रुप्स ने इसराइल पर एक साथ हमले का प्लान बना लिया है। खबर तो यहाँ तक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान और हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की है, जिसके हिसाब से इसराइल पर इस बार निर्णायक हमला किया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने ईरानी अखबार कहान में लेख लिखा है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने इसराइल के सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन अब इसराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा रणनीतिक केंद्रों पर हमला होगा। खामनेई ने यह भी लिखा है कि हानिया के हत्या में शामिल इसराइली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। इस बार का हमला बड़ा खतरनाक होगा जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می دانیم. اذرخه اسرائیل، یمیم معتگریم لفننو
מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תופנות נגדנו מכל זירה שהיא. इस्माइल हानिया की मौत पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि हमास शीफ को मिसाइल अटैक में मारा गया है और इसमें इजराइल की मदद अमेरिका ने भी की है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर गाजा से है, जहां हानिया की राइट हैंड यहां सिनवार को सुरंग के अंदर घेर लिया गया। मारा गया टारगेट पर या सेंफा गाजा पूरी तरह तबाह है। रफा में भी कोई सलामत नहीं। ठीक वही तस्वीर अब वेस्ट बैंक के तुलकरम की दिखाई देने लगी है। हर ओर तबाही, हर तरफ बर्बादी, हर तरफ गोलियों की गूंज, हर तरफ खंडहर। रॉकेट धमाके से जमींदोज हुए मकान, मिसाइल की मार से तबाह हुई बस्तियां, टैंकों के गोले से धुआं धुआं हुई गलियां। इसराइल ने तुलकरम को बारूद से फाड़ दिया है। तुलकरम में इसराइल की एयर स्ट्राइक में 5 की मौत हुई है। आईडीएफ ने दावा किया है कि इस हवाई हमले में हमास का एक टॉप कमांडर ढेर हो गया है। आईडीएफ ने यह हमला कतर में हानिया का जनाजा उठने के बाद अंजाम दिया। 2 अगस्त को कतर में हानिया को दफनाया गया। दोहा में हानिया को विदाई देने हमास का लीडर खलील अल हया पहुंचा था। उधर हानिया को कब्र में पहुंचाया गया, इधर इसराइल ने गाजा में कोहराम मचा दिया। तीन अगस्त की सुबह से भीषण बमबारी कर इसराइल ने गाजा पट्टी के उत्तर में एरेज क्रॉसिंग पर भारी तबाही मचाई है। The IDF will not tolerate terrorist attack on Israeli civilians. We have been responding to these attacks with precise strikes on Hezbollah commanders, terror operatives and military infrastructures in Lebanon. Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people of Lebanon and the entire Middle East into a wider escalation. Israel Air Force, जहां आसमान से बारूद बरसाकर हमास लड़ाकों का सफाया कर रही है, वहीं जमीन पर IDF कमांडो याया सिनवार के सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। IDF की तरफ से दावा किया जा रहा है कि याया सिनवार किसी भी वक्त मारा जा सकता है। गाजा की सुरंगों में चल रहा सर्च ऑपरेशन याया सिनवार के खात्मे के बाद ही रुकेगा। IDF की तरफ से दावा किया जा रहा है कि याया सिनवार किसी भी वक्त मारा जा सकता है। गाजा की सुरंगों में चल रहा सर्च ऑपरेशन याया सिनवार के खात्मे के बाद ही रुकेगा।